हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस। ये होता क्या है? आप सबने इसे बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना होगा न्यूज़पेपर में, इकोनॉमी के सेक्शन में, और इंडियन इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो है ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस और दूसरा बैड बैंक और NPA से रिलेटेड। तो ये सारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। तो आज हम इस कंसेप्ट का, इस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये होता क्या है। द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ बैंक्स, पर्टिकुलरली द PSBs, हैव बीन इन न्यूज एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द बैंकिंग सेक्टर। PSB का मतलब यहाँ पर है पब्लिक सेक्टर बैंक से, जो कि सरकारी बैंक होते। हमने न्यूज में बहुत बार सुना होगा कि कोई एक्स पर्सन किसी बैंक से लोन लेके विदेश चला गया, कोई एक वाई पर्सन किसी से बैंक से लोन लेकर कहीं और चला गया, या आपने कई बैंकों के डूबने के बारे में सुना होगा। बट वो होता क्या है एक्चुअली? अगर कोई भी व्यक्ति किसी बैंक से लोन ले ले और उस लोन को चुकाए नहीं, उसका रीपेमेंट ना करे, तो वो पर्टिकुलर चीज़ क्या बन जाती है? वो बन जाती है नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब कि NPA। अब बैंक को वो डूबा हुआ पैसा रिकवर नहीं होने वाला, दैट इज नोन एज द NPA। पब्लिक सेक्टर बैंक में NPA का इशू बहुत ज़्यादा हो गया था, इट हैज़ बीन इन न्यूज़, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए NPAs। इनफैक्ट RBI ने बहुत सारे पॉलिसीज बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, बट स्टिल एवरीथिंग इज इन वेन। NPA को हम रिकवर नहीं कर पाए। इससे रिलेटेड एक वीडियो है बैड बैंक, जो कि मैंने अभी बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वो देख सकते हैं अगर चाहें तो। इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, तो साथ साथ में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमने पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर बैंक में NPA का जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है और बहुत बार न्यूज़ में देखने को मिला। सेवरल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय RBI बट ऑलमोस्ट फेल्ड, कुछ खास काम नहीं हुआ। इंडिया इज फेसिंग TBS प्रॉब्लम। इंडिया के बैंक्स या इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज फेसिंग अ TBS प्रॉब्लम, मीन्स इट इज फेसिंग अ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। वो क्या है? हाई NPAs ऑफ द PSBs। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी कि NPA बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वो वाला लोन जो अब हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम इज हाईली स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट ऑफ द प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, मतलब कि प्राइवेट बैंक जो है, तो प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर है, वहाँ पर भी हाईली स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट है और उसका भी यही हाल है। और ये होता क्या है हाईली स्ट्रेस्ड? द स्ट्रेस्ड कॉरपोरेट सेक्टर हैज़ बीन फोर्स्ड टू बोरो मोर to continue their operations as their earnings have been deteriorating. Same condition वहाँ पर भी है, but वो क्या करते हैं, borrow कर लेते हैं और lending को continue करना चाहते हैं, but कोई भी आपसे loan नहीं लेने आएगा क्योंकि आपकी already ही जो balance sheet है वो NPA में चल रही है। तो distressed corporate sector भी ना चाहते हुए भी borrow कर रहे हैं जिससे कि उनका operation, business operations चलता रहे, क्योंकि उनकी जो अर्निंग्स है वो माइनस में जा रही है या डिटेरियोरेट हो रही है। मीनवाइल अराउंड 12-16% ऑफ द टोटल लोन्स ऑफ द PSBs टर्न आउट टू बी NPAs। 12-16% टोटल लोन्स जो कि PSB ने दे रखा है वो NPA में कन्वर्ट हो चुका है। दिस कंडीशन इज रियली रियली वेरी डिवास्टेटिंग। अब कुछ जनरल पिन पॉइंट्स पर आ जाते हैं। द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर हैज बीन फोर्स्ड टू कर्ब इट्स इन्वेस्टमेंट वाइल बैंक्स हैव बीन रिड्यूसिंग देयर लोन डिस्पर्सल्स। प्राइवेट कॉरपोरेट की बात कर रहे हैं तो वो भी क्योंकि पैसों की कमी है तो वो ना चाहते हुए भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोकना पड़ रहा है वाइल बैंक्स हैव बीन रिड्यूसिंग देयर लोन डिस्पर्सल्स। और बाकी जो बैंक्स हैं वो अपने लोन को डिसबर्समेंट नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। प्रॉब्लम हैज़ बीन कॉज्ड ऑल्सो बाई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब ये भी चीज़ है जिसने फ़र्क डाला है, टेन्योर ऑफ लोन्स कितने लंबे समय का लोन है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, ग्रोथ कितना है इंडिया में, इन सब चीज़ों के ऊपर भी कुछ पॉलिसीज़ बनी होंगी, कुछ रूल्स आए होंगे, उनका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है हमारे इस बैंकिंग सेक्टर पे। स्ट्रेस्ड डेट्स आर हेवली कंसंट्रेटेड इन लार्ज कंपनीज विच इज चैलेंजिंग। जो कि स्ट्रेस्ड डेट्स हैं, मतलब कि बहुत भारी मात्रा में अगर लोन किसी ने लिए हैं तो वो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिन्होंने लोन लिए हुए थे और चुकाए नहीं। तो जब वो बड़ी कंपनी थी तो ऑब्वियसली जो लोन होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि उसको कैसे निपटाया जाए। मैनी ऑफ दीज कंपनीज आर अनवायबल एट करेंट लेवल्स ऑफ डेट रिक्वायरिंग डेट राइट डाउन्स। ये जो कंपनीज हैं
करेंट लेवल ऑफ डेट पर अनवायबल है, मतलब कि वो पे ही नहीं कर सकती और अब उनके डेट को हमें किसी न किसी तरह से राइट ऑफ करना पड़ेगा। बैंक्स हैव फेस्ड डिफिकल्टी टू रिजॉल्व एनपीए केसेस डिस्पाइट आरबीआईज असिस्टेंस, मतलब कि आरबीआई की लाख मदद के बावजूद, उसके असिस्टेंस के बावजूद जो हमारे बैंक हैं वो एनपीए का इशू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या? क्योंकि लार्ज डेटर्स हैव मेनी क्रेडिटर्स विद मेनी इंटरेस्ट रेट्स, मतलब कि जैसे कि अगर किसी ने हमसे लोन लिया तो हो सकता हो कि उसने किसी और बंदे से भी लोन लिया हो या उसने किसी और से भी लोन लिया हो, तो हर जगह अलग अलग इंटरेस्ट पे करते करते वो इंसान हमें तो लोन ही ना दे पा रहा हो वापस। तो ये भी हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो रही है सिंस लार्ज डेटर्स हैव मेनी क्रेडिटर्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट एंड डिफरेंट टर्म्स ऑफ कंडीशन। एआरसीज आर टू स्मॉल टू हैंडल लार्ज केसेस ऑफ एनपीए। आपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का नाम सुना होगा, वो भी हमारे जो एनपीएस होते हैं उन्हीं के लिए या बैंक्स के बेटरमेंट के लिए, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के लिए क्रिएट किए गए थे। बट जो एआरसीज हैं वो बहुत स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जब हम लार्ज केसेस ऑफ एनपीए की बात करते हैं जो कि करोड़ों में। डिले इज प्रूविंग कॉस्टली, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो अननेसेसरी डिले हो रहा है, विच इज अगेन प्रूविंग वेरी कॉस्टली। और दिन पर दिन इंटरेस्ट रेट्स में चेंज होना, इकॉनमी में चेंज होना, इन्फ्लेशन बढ़ना, हर एक चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है ऑन द रेट्स ऑफ लोन, विच इज अगेन प्रूविंग वेरी कॉस्टली। फंक्शनिंग ऑफ पैरा, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी। ये सजेस्ट की गई थी इकोनॉमिक सर्वे में कि यार ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ इस एनपीए इशू को सॉल्व करने के लिए। पैरा का क्या फुल फॉर्म है? पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी। क्योंकि हमने पीएसबी पढ़ा, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली पैरा के लिए बोला गया था कि यार ये बनाते इन द इकोनॉमिक सर्वे। ये करेगा क्या? इट वुड परचेज स्पेशलाइज लोन्स फ्रॉम बैंक, जो कि बैंक की लोन्स हैं कुछ स्पेशलाइज, उनको खरीदेगा, देन उनके ऊपर वर्कआउट करेगा और कुछ प्रोफेशनल तरीके से, कुछ अच्छे तरीके से उन लोन्स का देखेगा कि यार इनका क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं तो खरीदेंगे, नहीं खरीद सकते तो उसके बाकी ऑप्शंस देखेंगे कि क्या कोई प्रॉपर्टी थी या क्या नहीं था। वंस द लोन्स आर ऑफ द बुक्स, अगर ऑफ कर दिया गया राइट ऑफ, तो फिर पीएसबी की बुक से हटा दिया जाएगा। गवर्नमेंट वुड रिकैपिटलाइज देम, गवर्नमेंट फिर से उसमें इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल करेगी, फ्रेश कैपिटल उन बैंक्स में करेगी, देयर बाय अलाउइंग देम टू यूज देयर रिसोर्सेज एज मेकिंग न्यू लोन्स। देयर बाय अगेन हम फ्रेश लेंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोन्स जो है वो ले लिए गए हैं या राइट ऑफ कर दिए गए, एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ फ्रेश कैपिटल हैज बीन इन्फ्यूज इन दोज बैंक्स। तो अब क्या होगा, जो हमारे बैंक्स हैं वो लोन देने के लिए, आगे लेंडिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगे। वंस द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द ओवर इंडेडनेस इज रिस्टोर्ड, दे विल बी एबल टू फोकस देयर ऑपरेशंस रादर देन देयर फाइनेंसेस। एक बार अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर वो अपने बैंकिंग ऑपरेशंस के ऊपर ही ज्यादा फोकस कर पाएंगे रादर देन फोकसिंग ऑन देयर फाइनेंशियल कंडीशंस, एंड दे विल बिकम फाइनेंशियली फिट टू बोरो एंड गो फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। और वो फिर क्या होगा, दे विल बिकम फाइनेंशियली स्टेबल और फिर वो दोबारा से बोरो कर सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस अपना कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि पैरा के एक्सपेक्टेड किए गए थे, ये फंक्शन करेगा पैरा अगर हम उसे क्रिएट करते हैं, एंड दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। सो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस टीबीएस समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन श्योरली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन शेयर, लाइक, सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट। जॉइन मी ऑन फेसबुक, इकोनॉमिक्स हब इज द नेम। जॉइन मी ऑन टेलीग्राम फॉर द PDFs, and you can join this if you want. Thank you again, and may God bless you all.